काफ़ी सारे मेरे लर्नर्स को एक कॉमन प्रॉब्लम आती है जो टैली पे काम करते हैं, वो प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपनी कंपनी को बाय मिस्टेक या जानबूझ करके डिलीट कर देते हैं और उनका पुराना एक्सपीरियंस विंडो के साथ काम करने का रहा है तो अपनी फाइल को वो रिसाइकल बिन में जा करके ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टैली में जो फाइल आप टैली के थ्रू डिलीट कर रहे हैं उस फाइल को आप रिसाइकल बिन से दोबारा रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का होगा कि आपने एक एम एस वर्ड की फाइल में कंटेंट टाइप किया, सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया और सेव कर दिया। अगर आप नेक्स्ट टाइम फाइल को एक्सेस करेंगे तो आपको वहाँ पर वो डेटा दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपने फाइल के अंदर से डिलीट किया है। हाँ, फाइल को आप बाहर से डिलीट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आप रिसाइकल बिन में उसको ढूंढ लेते हैं, लेकिन टैली ऐसा केस नहीं करेगी। टैली कुछ काम नहीं करती है जैसे कि टैली का क्लोज बटन, यानी कि टैली का क्लोज बटन है, टैली का क्लोज बटन आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अगर आपके टैली का बटन काम कर रहा है इसका मतलब यह है कि आपकी टैली की फाइल जो है वो करप्ट हो गई है या हैंग हो गई है, जिस पर आप अब आप आगे काम ना करें तो ही आपको फ़ायदा होगा, तो उसको आप क्लोज कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि मेरी टैली की ज़्यादातर वीडियो में आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग करते वक्त मैं माउस का इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन टैली का पूरा ऑपरेशन जो है मैं कीबोर्ड से ऑपरेट करता हूँ, तो यहाँ पर आप कीबोर्ड का ही यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, स्क्रीन पर आपको जो लिस्ट दिखाई दे रही है यहाँ पर मेन्यू या टैब नहीं होते हैं, इनको हम कहते हैं ड्रिल डाउन लिस्ट। ड्रिल डाउन लिस्ट में क्या होता है, एक ऑप्शन, उसके अंदर दूसरा ऑप्शन, दूसरे के अंदर तीसरा ऑप्शन, इस तरीके से ऑप्शन आते हैं ड्रिल डाउन लिस्ट के अंदर। चलिए बात करते हैं कि टैली की फाइल को डिलीट करने पर क्या वो रिसाइकल बिन में जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि टैली की फाइल आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाती है, ठीक है। आप ट्राई करना चाहते हैं, चलिए ठीक है, मैं इस कंपनी का ट्राई करता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस फाइल की टैली की फाइल का बैकअप रख लिया है, तो डिलीट करने पर भी मेरा डेटा लॉस नहीं होगा। अगर आपको बैकअप लेना नहीं आता है तो आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर ऑल्ट F3 किया और मैं ऑल्टर में गया, मैंने अपनी कंपनी को ऑल्ट D कर दिया, ऑल्ट D करके डिलीट कर दिया। लेकिन उससे पहले मैं देख लेता हूँ मेरी कंपनी का नंबर क्या है, क्योंकि नंबर के बिना मैं उसको ढूंढ नहीं पाऊँगा। चलिए तो एक बार नंबर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए नंबर आपको ये याद करना पड़ेगा, दैट इज़ 100 and 38, राइट। सो ये हमारी कंपनी का नंबर है, एक बार कंफर्म कर लीजिए आप सेलेक्ट कंपनी में जाकर के, स्टॉक कंपनी में नीचे आपको आपकी कंपनी दिखाई दे रही है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी कंपनी जो है वो नज़र आ रही है, तो इसका इस्तेमाल आप कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको ले लेता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ इसको, और देन चलिए इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। ऑल डी ऑल्टर में जा करके, ऑल डी फाइल हमारी डिलीट हो गई, आर यू श्योर यू वुड लाइक टू डिलीट दिट, यस। ऑल्ट ई करके आप माई कंप्यूटर में गए, सी ड्राइव में गए, आपने टैली नाम का फोल्डर लिया और यहाँ पर पहला जो फोल्डर है डेटा है, इसके अंदर सारी फाइलें स्टोर थी। अब इनमें जो हमारी फाइल रिसाइकल बिन में है, रिसाइकल बिन में आपको कोई भी फाइल नज़र नहीं आने वाली है, ठीक है। तो एक बार यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, अभी वीडियो अपलोड मोड में है, तो यहाँ डेटा लिया मैंने। इसके बाद आपका रिसाइकल बिन में आपको ये फाइल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, वो क्या कि इन फाइलों को अगर आप टैली के थ्रू डिलीट नहीं करते हैं तो आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप टैली में जाएंगे, टैली में डेटा नाम का फोल्डर है, इसमें आपकी जो कंपनी है उस कंपनी को आप ढूंढिए और उसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ से डिलीट अगर आपने कर दिया तो ही फाइल आपके रिसाइकल बिन में जाएगी, ठीक है, तो ही आपकी फाइल रिसाइकल बिन के अंदर जाएगी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिसमें आप टैली की फाइल को प्रॉपर डिलीट कर सकते हैं। अगर आप उसे रिसाइकल बिन से लाना चाहें तो कैसे डिलीट करना चाहिए, नहीं लाना चाहते हैं तो कैसे डिलीट करेंगे। अच्छा, मेरी कंपनी जो है सेलेक्ट कंपनी वो गायब है, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था रीस्टोर करना भी, तो रीस्टोर मेरी फाइल का बैकअप यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने इस फाइल को एक्सेस कर लिया F1 और यहाँ पर देखिए मेरी फाइल स्टॉक कंपनी जो है वो आ गई है, मैं इसका इस्तेमाल